अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, माशाल्लाह आप लोगों ने हमारे उंजा शरीफ की यानी सैयद अली मीरादाता बापू की ज़ियारत भी मैंने आप लोगों को करा दी, लोबान भी आप लोगों को दिखा दी। आप लोगों को जो दुआ मांगना था वो आप मांग लेना। और अभी हम लोग यहाँ से हमारी रवानगी है, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर पर यानी बॉम्बे, है ना। तो हम लोग अभी उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किए। नाश्ता करके अभी हम लोग जाएंगे दरगाह पे, सलामी करेंगे, फिर कपड़े अपने पैकिंग करके हम लोग निकलेंगे। तो अपनी रवानगी आज कैसा होने वाली है बता। तो इधर से अभी हम लोग कार करके जाएंगे अहमदाबाद से हमारी बस है, क्योंकि ट्रेन की टिकट मिल रही नहीं थी और फ्लाइट की टिकट कर रहे थे तो मतलब वो ज़्यादा महंगा था। हाँ, तो फिर हम लोग ने बस की है। बस भी एक नंबर है, मल्टी एक्सल वॉल्वो है, मस्त बस है एकदम। कि अंदर बैठेंगे, पानी रखेंगे तो पानी हिलेगा भी नहीं। मतलब जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से हमारे जो कार से जाने वाले हैं वो कार हमारे मुजावर ने हमको दे रहे हैं। हाँ। और क्या गाड़ी चलाने वाला भी दे रहे हैं। हाँ। बोले वो तुमको छोड़ देगा और फिर उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ पे क्रेन पकड़ के निकल जाएंगे, बस पकड़ के निकल जाएंगे। इंशाल्लाह आते टाइम मैं अजमेर के लिए पहली टिकट बुक कर लूँगी, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट टाइम है। अगले महीने की छठी के लिए टिकट बुक भी कर दिए, और चलिए मैं आप लोगों को भी दुआ में याद रखती हूँ। और आप लोग को अगर आना है तो हमारे मुजावर का जो एड्रेस वगैरह है वो सब मैं आपको किसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आप लोग को आके वहाँ से अगर आपको कुछ करना है या आप लोग कुछ सवाल करने हैं या पूछना है या आपको कोई भी तकलीफ है, आप लोगों को परेशानी है, नजर हुई है, तो आप लोग हमारे मुजावर को कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा करके देखिए, मेरे को सबसे ज़्यादा करके नज़र बहुत होती है। अभी आप लोग बोलेंगे कि नज़र क्यों होती है, आप तो इतने खूबसूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि इंसान खूबसूरत रहे तो ही उसे नज़र होती है ना। इंसान की बहुत सी चीज़ों पर नज़र होती है, जैसे कि मेरे माशाल्लाह बाल अच्छे हैं, है ना। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे, क्या मेरे बाल पर नज़र होती है। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं तो उसके ऊपर नजर होती है। सही बात है, कोई कोई लोग सिर्फ बोल देते हैं, आगे माशाल्लाह नहीं लगाते। और दूसरी बात है कि माशाल्लाह मैं देने लेने में मेरा दिल बहुत बड़ा है ना। किसी के भी किसी को भी मालूम पड़ा मुझे इसको ये तकलीफ है तो मैं उसकी तकलीफ में मेरे पर है क्या नहीं है मैं वो बारे में कभी नहीं सोचती ना। मैं उसके लिए कर देती हूँ, वो भी एक आदत है मेरे अंदर। और मेरे अल्फाज बहुत अच्छे हैं, मेरे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आता है ना। जैसे जब मैं किसी से मिलती हूँ, बात करती हूँ तो बोलते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बात बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि मेरे अंदर अच्छी है ना। अल्लाह ताला कोई ना कोई चीज़ तो मेरे अंदर इतनी अच्छी डाल चुके हैं कि अब मैं लोगों को पसंद आती हूँ, है ना। चलिए अभी हम बॉम्बे में जाएंगे, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखने मिलेगी। आज फिर मैं आप लोगों को ज़ियारत करा दूँगी दरगाह की, सैयद अली मीरादाता बापू की, आप लोग कर लेना, है ना। मीरा सैयद अली दातार बापू दादी अम्मा आपके दरबार में मेरे नाम से मेरी मदद के लिए मेरी तंदुरुस्ती के लिए मेरी हिफाजत के लिए सवा सौ घोड़ों की सवारी उड़ा रही हूँ मेरे जिस्म में मेरे हाथ पैरों में दिलो दिमाग कोई भी तकलीफ हो बीमारी हो कोई जादू हो, कोई जिन्नात हो, किसी दुश्मन ने किसी रिश्तेदारों ने, किसी मिलने जुलने वालों ने हमारे ऊपर कुछ भी किया हो, कराया हो, छोड़ा हो, सारी चीजों को खींच कर जला कर खत्म करना हमारी मदद करना हमारी हिफाजत करना तंदुरुस्ती देना हर तकलीफ से परेशानी से
बीमारी से, जादू से, शैतानी हरकतों से बचाए रखना, हमारी रोजी रोटी में बरकत देना। जो भी दुश्मन है उनको हमारे रास्ते से दूर करना, आपके वसीले से, आपके करम से, हमको अच्छा सा मकान, हमारी मन पसंद का मिल जावे, हमारे बजट में, ऐसी करामत करना, आपके वसीले से, अल्लाह के हुक्म से, हुजूर के सदके में हमारी मुराद पूरी करो, हमारी परेशानी दूर करो, सुखी करो, उसके लिए आसान करो, और जो बेचैनी है, घबराहट है, वो भी दूर करो। तो यहाँ पर चलिए अभी हमारे घोड़े उतार के हो गए, उसके बाद में मैं निकली बाहर। तो यहाँ पर मुझे मेरे कुछ YouTube की फैमिली मिल गई, तो उन लोग मेरे साथ में फ़ोटो खींच रहे थे। माशाल्लाह कहीं पर भी जाऊँ वहाँ पर मुझे कोई ना कोई मेरी YouTube की फैमिली मिल जाती है, तो बहुत ही खुशी होती है मुझे। क्या मैं तो उन लोगों से मिल नहीं पाती हूँ, कहाँ रहते कहाँ नहीं मुझे पता नहीं, मगर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं उन लोगों से मेरी मुलाकात करा ही देते हैं ना। मेरी भी ये चाहत है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मैं भी उन लोगों से मिलूँ एक बार। उसके बाद में फिर हमने सैयद अली मीरा दातार बापू को सलामी दे के हम निकल गए हमारी मुंबई के लिए। यहाँ से हम लोग गए अहमदाबाद हमारे मुजावर की कार में, उन्होंने हमें अहमदाबाद तक का छोड़े। अहमदाबाद से फिर हमारी बस थी मुंबई के लिए। ये कौन सी नदी आसी? साबरमती नदी है ये। अगर आप तारक मेहता देखते रहेंगे तो ये बहुत वहाँ की फेमस नदी है ना। अहमदाबाद की। तो वहाँ से फिर हम लोग निकले, आसिफ बरोबर से सारी चीज़ों को कैचअप कर रहा था और मुझे भी बताते जा रहा था, मम्मी देखिए ये अहमदाबाद आए, क्योंकि आसिफ को सबसे ज़्यादा तारक मेहता बहुत पसंद है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाने के समय आसिफ तारक मेहता देखे बगैर कभी खाना नहीं खाता है ना, छोट बचपन से लेके अभी तक का। फिर हमारी रवानगी होने लगी बम्बई के लिए माशाल्लाह। अंधेरी चेंबू रुका है उधर, उसको बस से बाहर चल। क्या बोल रहा था? अब तू लेके चल ऑफिस हम लोग को। अभी कभी घर पे पहुंचेंगे ऐसा हो रहा है। सच्ची एक बात बोलूं, सौ में से मेरा सबसे अच्छा सफर ट्रेन का होता है। मैं जैसे ट्रेन के टिकट में अगर दो पैसा ज्यादा जाए ना, ट्रेन की कम नहीं, मैं ट्रेन में अपन को सुविधा बहुत रहती है। आराम से देख सकते है, बैठ सकते है, चल फिर सकते है बाथरूम जाने की। ये बस की टिकट में ना, बस में ना बाथरूम भी तुमकी बहुत तकलीफ है। बराबर। और मैं क्या खा रही हूँ, गई है अजमेर से लाई असली घी का, एकदम प्योर घी का अजमेर से लाई हूँ। मुझे बाहर मिलता है वो नहीं, एक दुकान है वहाँ पे। अभी अगले टाइम कभी मैं जाऊँगी ना तो बताऊँगी। अभी अगले महीने तो आसिफ नहीं आएगा, अशरफ नहीं आएगा आते महीने में, मैं और तुम्हारे भाई जाने वाले हैं, तो ब्लॉग नहीं बनेगा है ना। कैसा बनेगा? उतारूंगा ना, भेजेगा कौन? भेजवा देंगे ना किससे भी। देखते ना वो ऊपर चांदी वाला, उसके पास चले जाएंगे उधर वाईफाई भी। और बोलूंगा तो छोरे को ये पूरा वीडियो भेज दो। अबे मैं वही कौन पाता नहीं।
भूख भी लग रही है काफी, भूख भी लग रही है। कौन से ढाबे पे? तो एक घंटे के बाद रुकाएगा ढाबे पे भी देखने का, कौन से ढाबे पे रुका है। मुंबई का इंतजार कर, कम मामा जी मुंबई आएगी। काली पीली रिक्शा दिख गई ना, मुंबई आ गया समझ जाने का। महाराष्ट्र में आ गए अपन, अभी आ गए नहीं, अभी नहीं आया, अभी तो बड़ौदा गया, फिर सूरत आएगा, वापी आएगा। टाइम है ना? अभी तो पानी दे बेटा, ये सीट हमारी है, नीचे स्लीपर, ऊपर वाली हमारी है, और यहाँ पे फिज्जू पर बैठे, इसके ऊपर जो ये टिकट, इसके ऊपर वाली भी हमारी टिकट है, ये एक दो तीन हमारा है। 10,000 रुपए ले लिए। हाँ 10,000 रुपया देखो, देखो पानी हिलने की बात चलो, हम ही छिल रहे यहाँ पे। 10,000 रुपए गए हम लोग, 5 जन का ना हो रहा है ना। डबल स्लीपर एक लिए, फिर और एक डबल लिए, डबल दो लिए और एक सिंगल लिए। बोले हाई फाई बस है, हाई फाई बस। देखो बस दिखाता हूँ मैं, देखो ऐसे सब पूरा लंबी है, पर्दा लगा है एकदम मस्त।